गाड़ी को जिसने पहले ढंग से नहीं देखा था ना उसको हालत दिखाता हूँ। तेरे को गाड़ी देख के नहीं अड़ता है भैया? वही कह रहे हैं कि दो तक दे देंगे। फोन करूंगा आपसे भी कह रहा हूँ, दो को देखो आपके सामने फोन करूंगा कि भैया आज 2 तारीख है मैं आ जाऊँ, और उसने कहा भैया नहीं हो पाई, मैं भाई शकील को लेकर मैं पहुंच जाऊंगा, फिर जो होगा वो आप देखो एंजॉय करो। हाँ जी, क्या हाल चाल आप सभी के, मैं आपका भाई अनस पठान दोबारा आ गया हूँ एक और बहुत बेहतरीन ब्लॉग के साथ। तो अभी जस्ट उठे हैं और सबसे पहले जाना है हमें पापा के काम से, क्योंकि कल तो जा नहीं पाए थे, बारिश हो रही है, तो अभी कुछ खा पी लें फिर हम उस काम से निकलते हैं, और कहाँ जा रहे हैं वो आपको बताते हैं। सो हम गए थे पापा के, कुछ बैंक का काम था, और बैंक में जो भी जाता है उन्हें पता होता है कि भैया बैंक में कितनी सरदर्दी होती है, तो वही कुछ हमारे साथ हुआ, पर भैया जैसे तैसे करके हो गया हमारा काम और हम घर आ गए थे। और अब हम सोच रहे हैं एक बार भैया गाड़ी के पास दोबारा चले जाएं, वहाँ हाजिरी दिखा लाएं, क्योंकि ना मेरे को अंदर से ऐसी वाइब आ रही है साले दो को भी नहीं करके देंगे, तो इसलिए मैं जाके एक बार दिखा देता हूँ कि हाँ भैया इस बार ये लौंडा गुस्से में है, ये नहीं करी तो कुछ कर कुरा देगा। तो जी जस्ट अभी मैं अंशु के घर पहुँचा हूँ, अंशु खाना खा रहा है, उसकी तबीयत भी सही है, तो मैंने इसे बताया पूरा खेल कि भैया ऐसे ऐसे गाड़ी वाले पे जाना है, मुझे ऐसे अंदर से वाइब आ रही है, दो को भी नहीं देगा और दो को अब मुझे गाड़ी चाहिए, तो वहाँ पर एक बार शक्ल दिखाई आऊँ और एक बार ढंग से और बताई आऊँ कि भैया कर दो सही उसे, बस ये खाना खा रहा है, फिर खाना खाता है जैसे निकलते हैं, फिर वहाँ जाके देखते हैं काम शुरू हुआ है नहीं हुआ। मुझे तो ऐसी पक्की वाइब आ रही है, और आपको भी देखना है मेरी वाइब सच होती है भाई, पता नहीं क्या है कि वहाँ गाड़ी में कोई काम अभी तक स्टार्ट नहीं करा हुआ इन्होंने। तो जी हम गाड़ी के पास आ गए हैं, तो गाड़ी को जिसने पहले ढंग से नहीं देखा था ना उसको हालत दिखाता हूँ। ये सारा तामझाम पड़ा हुआ पीछे गाड़ी का, और ये रहा डिग्गी में भी पड़ा हुआ है। अरे यार कुछ काम तो हुआ है ऐसा लग तो रहा है, है? तेरे को गाड़ी देख के नहीं अड़ता है, रस्ती है निगाहें मेरी तकदीर है राह तेरी सुन ले। हाय सामने का तो कुछ दिख ही नहीं रहा, इतनी गंदी हो रही है। सो जी बात हुई है तो भैया वही कह रहे हैं कि दो तक दे देंगे, तो दो तक का वेट करते हैं। वो कह रहा है यहीं खड़ी रहो, क्या यहीं खड़ी रहेगी क्या रहा है? अगर मास्क पड़ा हुआ खा लूँ क्या, रुमाल बांध रखूँ? सो जी हम घर आ गए हैं, रास्ते में पापा मिल गए थे, उनको जो घड़ी ख़राब चल रही है ना मेरे कमरे वाली उसकी वो सही करवा रहे हैं, तो अब लेट हो जाते हैं, हम आ गए यहीं पर ही हैं, तो अभी 6:30 हो रहे हैं, अब कुछ खाते हैं और हमें जिम भी जाना है, तो पहले खा लेते हैं, देखते हैं क्या है खाने को। सो गाइस अभी जिम से मैं आया हूँ और अब नहाऊँगा भैया, बहुत गर्मी लग रही है, और गाड़ी का भी ये सीन है कि दो को उसने बोला है, पर जो मैंने वहाँ पर जाके हालात देखे हैं उसके बाद मैं क्या कर, मतलब मैं तो ऐसे एक मुद्दे रुक जाओ पहले मैं नहा लूँ फिर आपसे बतियाता हूँ आराम से सुकून में बैठकर। हम नहा लिए, खाना खा लिया और अब हम एकदम फुल फ्री हैं, तो मैं ये बात करना चाह रहा था कि यार देखो गाड़ी जिसको दी है ना, अब मैं इस सिचुएशन में अटक गया हूँ कि वहाँ पर लड़ नहीं सकता ना, गुस्से में कुछ कर सकता हूँ, अगर मैं लड़ लिया भाई क्या पता मुझे कुछ और हो, ऐसी तैसी मार दे गाड़ी की, तो मैं कहाँ कैसे अटक गया यार मैं, मतलब मेरे पे ऐसा अटक गया हूँ कि मेरे पे कोई ऑप्शन नहीं है सिर्फ इंतज़ार के अलावा। मैं आज भी इसलिए गया था कि भाई ताकि उनको ऐसा हो कि भाई हाँ अब ये सीरियस है, अब ये गाड़ी लेके ही जाएगा, और आज भी उन्होंने ये कहा है कि भैया 2 तारीख भैया आपको बोला है तो बोला है, पर एक हाथ होता है ना कि वाइब वाली वाइब नहीं आ रही थी कि मतलब ये मुझे दो को गाड़ी दे देगा। बाकी अब यार पापा को भी नहीं बता सकता मैं वाली बात कि ऐसे ऐसे आप दोबारा गया था वो ऐसे बोल रहे हैं, पापा अब दो को ही जाएंगे पापा, मतलब गाड़ी नहीं आई तो पापा को लेके मैं 2 तारीख को वहीं पहुँच जाऊँ। मैं कहा जी भाई शकील और आप बात कर लो आपस में। सो जी हमने अभी खाना खाया है, तो हम खाना खाने के बाद ना छत पे घूमते हैं, और हम अपनी मम्मी के फ़ोन से फ्लैश मार के आपसे बतिया रहे हैं, और नीचे भी देखना चाह रहे हैं क्योंकि भैया बारिश के सीज़न में कुछ भी निकल जाता है, हमारा घर एकदम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो रहा है, कभी भी कुछ भी निकल जाता है पता नहीं चलता है। तो इस टाइम तो मैं अपने रिस्क पे घूम रहा हूँ क्योंकि लाइट मेरे मुँह पर आ रही है, ज़मीन पर होनी चाहिए थी वैसे, सही ढंग से देखा जाए तो चांद नहीं दिख रहा, और आज तो भाई मतलब यहाँ पर बारिश नहीं हुई, नोएडा गुड़गांव में मुझे लोग बाग बता रहे हैं कि भाई इतनी बारिश हुई कि हद हो गई है, जैसे कल यहाँ पर जैसे कल दिल्ली में हर टाइम बारिश हो रही थी ना वैसे ही आज नोएडा में हो रही है। मम्मी आज यहाँ पर बारिश नहीं हुई ना बिल्कुल भी? नहीं, आज बस यही नहीं हुई आज, आज बाकी हर जगह हुई है। अरे नहीं, बहुत तेज बारिश हुई है, देर। मैं मम्मी सुनो तो गाड़ी देखने गया था दोबारा,
ऐसा लग नहीं रहा मेरे को कि दो तक दे देगा। क्यों क्या मतलब, ऐसे अंदर से वो आ जाती है ना एक, वही आ रहा है कि भैया अभी नहीं, मुश्किल है यार, कहाँ फंस गया मैं, क्या करूँ। लास्ट ऑप्शन ये बचेगा, मैं नहीं ले जा रही कि बदतमीजी करेंगे गुस्से में आकर। वही तो, अब तो साला ऐसा लग रहा है कि भाई फ्री में करके दे रहे हो, पैसे दे रहा हूँ जब भी, इतने धक्के इतने परेशानी उठा रहा हूँ। मैं पापा को ले जाना इसलिए इग्नोर कर रहा हूँ कि गुस्से उस्से में कुछ बोल बाल देंगे वो, गाड़ी में कुछ और ना कर दे। अब क्या ही, अरे मैंने बोला है कई बार बोला है, मैंने कहा भाई पापा आ जाएंगे, देखो मैं नहीं चाहता यहाँ पर वो ड्रामे, तो आप कर दो। तो आज भी मैं इसलिए गया था, काम ऐसा चल तो रहा था उसमें, पर बोल भी रहा हो दो तक, पर मुझे ऐसा पता नहीं अंदर से नहीं लग रहा कि दो तक वो दे देगा। अरे गाड़ी मिले जब तो लिखवाऊंगा, अभी तो गाड़ी मिलने के लाले हो रहे हैं। मैं भैया आप भी अगर ऐसी मेरी जैसी सिचुएशन से निकले हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, थोड़ा पढ़ के मोटिवेशन मिलेगा, बाकी तो और कुछ नहीं है। हाँ यार, पैसे देकर भी मतलब आराम नहीं मिल रहा, पैसे देकर भी परेशानी चल रहा है, क्या ही करूँ। भाई दो को नहीं, उसने मैं फ़ोन करूँगा आपसे भी कह रहा हूँ, दो को देखो आपके सामने ही फ़ोन करूँगा कि भैया आज दो तारीख है मैं आ जाऊँ, और उसने कहा भैया नहीं हो पाई, मैं भाई शकील को लेकर मैं पहुँच जाऊँगा, फिर जो होगा वो आप देखो इन्जॉय करो, नहीं तो फिर उसको एक भी पैसा ना देके गाड़ी हटवा लो। अरे पैसे अब थोड़े बहुत तो दे भी दिए हैं, उसने बोला था दे दो, अभी रोकना पूरे कौन देगा, अब गाड़ी मिलेगी जब तो दूंगा पूरे, गाड़ी मिलेगी चलाओ फिर दो ना। हाँ ऐसे मेरे चाचा की है क्या वर्कशॉप, वो ऐसे थोड़ी होता है। सूजी टाइम हो गए हैं 11:30 और ये वीडियो यहीं पे एंड होती है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, और मेरा नया इंस्टाग्राम है, रुक जाओ इसकी आवाज़ आ रही है, कहीं और जाता हूँ। हाँ जी आई नो मुझे पता है, मैं आपने पहला ही लौंडा देखा होगा जिसके घर में एसी लगा हुआ है, मैं भी इस चीज़ से बहुत परेशान हूँ, तो इसका कुछ नहीं कर सकते, मैंने कई बार बोला है, पर ये है कि हटने का नाम नहीं देता यहाँ से, इसके पीछे पापा का बहुत बड़ा मतलब मिशन है। सो भैया मेरा नया इंस्टाग्राम है ये, आप मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हो अगर आप करना चाहो, तो मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए टेक केयर, ध्यान रखो, लव यू, बाय।